नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट मीट्स द चैलेंज ऑफ चेंज. इन दिस एवर चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट सेव्स द बिजनेस ब्रॉट बाय द चैलेंजेस. ओके नेक्स्ट अकम्पलिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. यस द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस एंड क्वालिटी ऑफ डिसीजन टेकन एंड कंट्रोल मेड बाई द यूनिट. नेक्स्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस. इन 8 M's मीन्स दैट इज 8 M's इंक्लूड्स द मैन मनी मटीरियल मशीन्स मेथड्स मोटिवेशन मार्केट एंड मैनेजमेंट. सो दीज 8 M's नीड टू बी यूटिलाइज प्रॉपरली. नेक्स्ट वन इज द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस. एबिलिटी एक्सपीरियंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन मोटिवेशन एंड सुपरवाइजन आर द फैक्टर फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस. सो मैनेजमेंट यूटिलाइजेस द एबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड फुलफिल देयर एग्जीक्यूशन थ्रू द मोटिवेशन टेक्निक. एंड नेक्स्ट वन इज द रिसोर्स डेवलपमेंट. सो रिसोर्स लाइक मैन मटेरियल मनी एंड मशीन्स आर आइडेंटिफाइड एंड डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट. एंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स. साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्लियरली डिफाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. एंड मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन इंटीग्रेट वेरियस इंटरेस्ट. मैनेजमेंट टेक steps to integrate various interests to achieve the objectives of an organization. And next one is the stability. Yes, the fluctuation caused by changing policy of the government, pressure from a competitors and changing preferences by a customers in the business are stabilized by the management. Next, innovation. So new ideas are developed by management and implemented in the organization. Next one, the coordination and team spirit. Management coordinate the activities of different departments and establish team spirit to achieve the objectives. Next, tackling problems. Good management act as a friend of workers while tackling problems. A tool for personality development. Management gives direction and training to the workers that help them to raise their efficiency and productivity. So these are the some importance of management.